हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप सभी अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है ऑप्टिक्स के फोर्थ लेक्चर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोर्ड एग्जाम, आइदर कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये टॉपिक खूब पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है? टोटल क्यों कहा गया है इसको, टोटल क्यों कहा गया है वो भी हम देखेंगे। एक्चुअल में बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पर बेस्ड और रिफ्लेक्शन दोनों पर बेस्ड फिनोमिनन है। देखिए, आप समझ रहे होंगे, इट इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट दैट टेक प्लेस when a ray of light traveling in a denser medium get incident at the interface of two media at an angle greater than the critical angle for that pair of medium। Definition तो सामने है, but हमें definition को समझने के लिए diagrammatically representation देनी पड़ेगी। Refraction होगी तो आइए समझते हैं। Basically मान लीजिए ये आपका interface है, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस तो सभी समझते हैं कि जो दो मीडियम को अलग करता हो। हम लिख देते हैं यहां पर, दिस इज द इंटरफेस, इंटरफेस ओके, और ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है। एयर को मैं ए मान लेता हूं, वाटर को मैं डब्ल्यू मान लेता हूं, या बी, जो भी आपने मानना है। आपने नॉर्मल शिफ्ट में भी पीछे देखा था, मान लीजिए ये वाटर है, दिस इज द वाटर, ये वाटर मीडियम है, ये एयर मीडियम है। मानिए ऑब्जेक्ट यहां रखा मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा नॉर्मल शिफ्ट की तरह, और यहां से रे आती है और ऐसे निकल जाती है बेचारी की। यहां रे आई, इस तरफ चली गई, फिर जैसे ही यहां पहुंची, आपको पता है यहां हम नॉर्मल खींचेंगे, यहां हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है? यहां पर हमने नॉर्मल रे ड्रॉ करनी है, ये कर दी हमने नॉर्मल रे ड्रॉ। और जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी उसमें, और रे कैसी जाएगी, अब इसी के उस पे नहीं जाएगी बेस्ड, अब रे थोड़ी बेंड हो जाएगी, ऐसे को रे बेंड हो गई। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। और आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि कुछ रेज ऐसी होती हैं जो सीधी निकल जाती हैं, तो ये हमने सीधी बना दी इसको, ये रे सीधी निकल गई, इस रे को हमने सीधे निकाल दिया। दिस इज दी एक्स, दिस इज दी वाई, आगे ले लेते हैं, मतलब इंटरफेस हमने एक्स वाई ले लिया, जो कि दो मीडियम को अलग कर रहा है, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग कर रहा हो, ठीक है? और देखो बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है? और एक और रे आती है, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ए वन मान लिया और इस रे को बी वन मान लिया, ठीक है? और एक रे और आती है और जैसे ही इंटरफेस पे टकराती है, हमने यहां पर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। बट यहां क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां बनेगा, रे इस तरफ निकल जाएगी, मतलब कि दिस इज, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, दिस इज दी आर, 90 डिग्री का बन जाएगा, और ये इसका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब यहां पर जब क्रिटिकल एंगल बनाइए, क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल बड़ा होगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब यहां आप आई को लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई सी, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? आप देख रहे होंगे कि देखिए ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है, देखिए यहां से भी पता लग जाएगा, ये देखो ना, यहां ये छोटा है
और ये इंक्रीज हो गया इस तरह। और एक और रे आती है, ठीक है, अब एक और रे आती है और वो इस तरह से सीधी यहां पहुंच जाती है, ठीक है ना। यहां मेरा छोटा पड़ गया, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां पर किया टच, थोड़ा यहां स्पेस नहीं है ना, मैं इसको थोड़ा इधर ले जाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस रे को इस तरह से यहां पर, हमने यहां नॉर्मल खींच ली, यहां नॉर्मल खींच लिया। अब देखो, आप देख रहे होंगे इस एंगल का फर्क कितना पड़ गया, मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीज हो गया, मतलब जो आपका क्रिटिकल एंगल था अब यहां पर आई आपका ग्रेटर देन आई सी हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, मतलब कि यहां जो नॉर्मल क्रिटिकल एंगल था उससे अगर ज्यादा एंगल बन जाए क्रिटिकल एंगल से, तो वहां पर लाइट जो है उसी मीडियम में वापस आ जाती है। डेंसर से चली थी, आपको पता है वाटर डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। जब क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब मान लो मैंने ये ए टू रखा है यहां पर, इसको बी टू मान लिया, इसको ए थ्री मान लिया और इसको बी थ्री मान लिया, अरे को, ठीक है ना। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन अंदर ही हो रही है, इंटरनल उस मीडियम के अंदर ही हो रही है। बट अब हमें सोचना चाहिए यार, ये टोटल वर्ड क्यों लगाया, ये टोटल वर्ड क्यों यूज हुआ। देखो बेसिकली आपने नॉर्मल मिरर की रिफ्लेक्शन देखी होगी कि ऐसे लाइट आती है इंसिडेंट रे और यहां पर नॉर्मल बन जाती है और ये टकरा के चली जाती है। बेसिकली नॉर्मल मिरर्स में क्या होता है, 94% लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि बची 6% लाइट जो है मिरर एब्जॉर्ब कर देता है, 6% रे जो है मिरर एब्जॉर्ब करता है और 94% जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट यहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में पूरी 100% लाइट डेंसर मीडियम वापिस ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है कहा जाता है। बेसिकली इसकी कंडीशन लिखने को आती है, कंडीशंस भी इसकी लिखने को आती हैं। बड़ा सिंपल सा फिनोमिनन है, आपको अब यहां से पता चल ही गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी डायग्राम से कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम गेट इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, मतलब कि कोई रे ऑफ लाइट जब आपकी किसी डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो इंटरफेस हुआ ये, मतलब इंटरफेस जो दो मीडिया को डिफरेंट करता हो, अलग करता हो, ऐसे पॉइंट पर इंसिडेंट होगी जहां पर एट एन एंगल ग्रेटर देन एट क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया, जहां पर एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो उस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में आगे नहीं जा पाती। और यहां पर 100% रिफ्लेक्शन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, मतलब पूरी की पूरी लाइट यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए बेसिकली कंडीशंस क्या होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, बड़ी सिंपल सी होती है कंडीशन। आपको कंडीशंस यहीं से पता चल गई होगी कि लाइट हमेशा, पहली कंडीशन, लाइट या रे ऑलवेज ट्रेवल इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब कि क्या हो कि जो रे इंसिडेंट इंटरफेस पर हो रही है वो आपकी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ही ट्रेवल करनी चाहिए,
रेयरर मीडियम में उसकी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो तो रिफ्रैक्शन हो गई होगी। जब ये रेयरर में जाएगी तो वो रिफ्रैक्शन हो चुकी होगी उसकी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहलाती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, मतलब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन मेन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होना चाहिए वो उसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। मतलब डेफिनेशन से ही इसकी कंडीशंस भी हैं। दो कंडीशंस आपकी निकल गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है, अपना फिनोमिनन है, टॉपिक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बोर्ड में अगर आए तो आपने लिखा जाता है एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने ये लिखना है और ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम मान लीजिए दो नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर के डायग्राम के मार्क्स होते हैं। यहाँ पर डायग्राम मायने रखेगी, बाकी आपकी थ्योरी उतनी मायने नहीं रखती। डायग्राम आपने नहीं बनाई है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आगे, और इसकी कंडीशंस भी साथ में लिखनी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल के टॉपिक में हम इसके क्रिटिकल एंगल, और आपको पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी होगा ही होगा, इसका म्यू डब्ल्यू होगा, इसका म्यू ए होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू डब्ल्यू जो भी आपने माना है। मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी होगा तो हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के उसमें भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका एंगल आई सी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑल ऑफ यू गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।